प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तानी पत्रकार अनम शेख को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी, सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील और हम सबकी चहेती नाज़िया लायक खान जी, जो कि अपने दमदार और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम आपके लिए चैनल पर डाल चुके हैं, जिसे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया था। तो इसे भी अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। के अंदर हमने लास्ट देखा कि फ्रांस में उन्होंने ये अलाउ कर दिया है, रूल पास कर दिया है कि अब फ्रांस की जो लड़कियां हैं वो हिजाब वेयर नहीं करेंगी, हिजाब अबाया नहीं करेंगी, और वो जैसे मतलब फ्रांस का कल्चर है वैसे ही रहेंगी। बाहर से जो आने वाली लड़कियां हैं वो करती हैं तो कर लें, लेकिन हिजाब और अबाया जो है वो फ्रांस की अपनी लोकल जो है वहां की लड़कियां वो नहीं करेंगी। ये चीज को पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा नेगेटिव वे में लिया पाकिस्तानियों ने, क्योंकि लड़की अगर चाहती है तो हिजाब भी पहने, अगर चाहती है तो कुछ भी करे, चाहे वो फ्रांस का अंदर की लड़की है, कल्चर के मुताबिक नहीं रहना। जैसे पाकिस्तान में मिसाल के तौर पर मैं चाहती हूँ मैं वेस्टर्न पहनूं तो वेस्टर्न पहनूं, मैं चाहती हूँ मैं हिजाब पहनूं तो मैं हिजाब पहनूं, अपनी मर्जी ऑन करनी चाहिए। आप इससे क्या कहेंगी, इससे क्या एग्री करती हैं? अनम, आपने अल कुरान पढ़ा होगा और मुझे नहीं पता कि बामाई ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारे मुसलमान जो अपने आप को इस्लामिक प्रीचर और क्लेरिक कहते हैं, उनको भी अरबी पढ़ना तो आता है पर अरबी समझना नहीं आता है, या उसका उसकी उसकी मायने अर्थ मीनिंग समझ में नहीं आती है। हिजाब इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए कि हिजाब, बुरका, अबाया, नकाब, ये इस्लाम का पार्ट है ही नहीं। क्या हव्वा को जब जमीन पर उतारा गया था तो क्या वो हिजाब पहन करके आई थी? क्या बीबी खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा क्या हिजाब पहनती थी? क्या बीबी सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा हिजाब पहनती थी? क्या बीबी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा हिजाब पहनती थी? चलिए वो तो बहुत दूर की बात है, उसकी कोई तस्वीर नहीं है हमारे पास और कुरान में हिजाब का कोई जिक्र भी नहीं है कि वो पहना करती थी। अब आती है बात कि हमने मुगलों की बहुत सारी तस्वीरें देखी है, मुगल पीरियड की, अपने हिस्ट्री की किताब में जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे और हिस्ट्री हमारे सिलेबस का पार्ट हुआ करता था, तो उसमें चित्र जो है वो शाहजहां मुमताज के हमें दिखाई देते थे, बाबर के दिखाई देते थे, अकबर के दिखाई देते थे। तो क्या मुमताज नकाब पहनती थी? कहीं पर कोई एक ऐसे चित्र है जहां पर ये दिखाया गया है कि शाहजहां जो है बहुत सारी लौंडियों को लेकर के नाच गाना करवा रहा है? तो ये चित्र है इतिहास हिस्ट्री की किताब में और आपने भी देखा होगा, मैंने भी पढ़ा है। तो क्या उसमें नकाब के साथ मुजरा होता था? तवायफ खाना जो चलता था वो हिजाब के साथ, वो शाहजहां को मौसिकी करके हिजाब के साथ दिखाया करती थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब आती है बात कि जब भी हम बात करते हैं हिजाब से रिलेटेड, तो जितने भी मुस्लिम मौलाना मौलवी हैं वो सूरह अल-नूर का जिक्र करते हैं। सूरह अल-नूर में एक लफ्ज है जिलबाब, और जिलबाब का मतलब होता है लूजर आउटफिट, हिजाब नहीं होता है, एक लूज कपड़ा जिसमें बदन की कटिंग्स दिखाई ना दे, आपके शरीर का एक एक उजू रिवील ना हो, ऐसा लूज कपड़ा आपको पहनना चाहिए, जिलबाब का अर्थ वो निकलता है। अब सूरह अल-नूर में जिलबाब का जिक्र आया क्यों और औरतों को लूज कपड़ा पहनने बोला क्यों गया, ये कोई बताना नहीं चाहता है पुरुष, क्योंकि हमारे हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में औरतें तो मौलवी मुल्ला नहीं होती हैं ना, इस्लामिक क्लीरिक और प्रीचर नहीं होती हैं, तो इसलिए औरतों से रिलेटेड सारी चीजों को छुपा दिया गया है, औरत से एम्पावरमेंट वाली सारी चीजों को छुपा दिया गया है जानबूझ करके। अब आती है बात कि सूरह अल-नूर में जिलबाब का जिक्र आया ही क्यों, तो अब इब्राहिमिक टाइम में आप चले जाइए। इब्राहिमिक टाइम में जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ईरा और जमाना हुआ करता था, तो औरतों को नंगा करके बेचा जाता था, और जो औरतों का शरीर बहुत गदराया हुआ होता था, बहुत भारी होता था, उनके लिए अशर्फियां ज्यादा मिलती थी, और औरतों के हाथ को बांध करके उनके शरीर को दिखा करके उनका रेट लगाया जाता था।
ठीक है। अब क्योंकि इब्राहिमिक जमाना वैसा गुजरा हुआ था और जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना आया तो उन्होंने औरतों को इज्जत देना और उनको रुतबा देना स्टार्ट किया, ठीक है। अब क्या हुआ कि उस जमाने के लोगों के दिमाग में औरत का नशा तो बैठा हुआ था कि भाई हम सोने की अशर्फियां देंगे और छू करके देखेंगे कि औरत के बूब्स कितने बड़े हैं, औरत के बट कितने बड़े हैं और औरत के ऐस कितने बड़े हैं, और उस हिसाब से हम उसका पेमेंट करेंगे और उसको खरीदेंगे। अब ये जो अश्लीलता थी, ये जो सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन को निकालने का तरीका था, ये दिमाग से जल्दी नहीं निकला है और आज तक नहीं निकल पाया है। तब अल्लाह के मैसेंजर ने ये खबर पहुंचाया कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम, अपनी अपनी औरतों को कहो कि इतने ढीले कपड़े पहने और चेहरा ढक ले ताकि रोड पर, रस्ते पर, गली पे, कूचे पे, बाजार में किसी भी खवातीन को, किसी भी महिला को के साथ गंदी हरकत करने से पहले पुरुष ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि कहीं इस पर्दे के पीछे मेरी माँ तो नहीं है, कहीं बहन तो नहीं है, कहीं बेटी तो नहीं है, तब जा करके उस अश्लीलता के नंगे नाच को खत्म करने के लिए, एक कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, औरत के शरीर को बचाने के लिए, उस सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन से मर्दों को निकालने के लिए लफ्ज जिलबाब का आया, जो सूरह अल-नूर इस बात की पूरी तफ्तीश और पूरी तशरीह कर रहा है। अगर कोई भी व्यक्ति सूरह अल-नूर को सही से बामायने अपने कंफर्टेबल लैंग्वेज में पढ़ लेगा तो जो मैंने बोला है वही अर्थ उनको समझ में आ जाएगा। तो हिजाब एक्चुअली में इस्लाम या अल कुरान का कोई पार्ट है ही नहीं है, और आज तक कोई भी व्यक्ति या कोई भी जिहादन टाइप की महिला या लड़की जो कोर्ट तक चली जाती है कि हिजाब इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम तो मुझे पहनने दिया जाए, वो कोर्ट में नहीं जीत पाती है उस केस को। अब आप मुस्कान को लीजिए, उसने एक फुलझड़ी छोड़ी थी हमारे भारत में, नारे तकबीर वगैरह पढ़ा था, अलकायदा के चीफ की वो रखेल थी, कॉन्क्यूबाइन थी, उसको रखेल बना करके रखा हुआ था, भारत में उसको पैसा भेज रहा था, उसने एक फुलझड़ी छोड़ा और उसके बाद फिर वो सलट ली और कलट ली, कलटे मार ली, पैसे में नहाई भी है, हर बार हज करती है जा करके अपने पूरे माँ फर्जंदान पूरे खानदान के साथ, अब वो मुस्लिम मुल्कों में वो शिफ्ट हो चुकी है। फ्रांस में 21 ऐसी लड़कियां थी जो फ्रांस के जो क्लेरिक और प्रेचर थे उनके साथ वो कंबाइंड थी, और उन्होंने फ्रांस के कोर्ट में जाकर के एक अर्जी लगाई थी, एक पिटिशन फाइल किया था कि मुझे हिजाब पहनने दिया जाए क्योंकि ये इस्लाम का एसेंशियल पार्ट है। बहुत लंबे बहस के बाद फ्रांस के जज ने कहा कि आप मुझे अल कुरान से दिखा दीजिए कि ये आपका एसेंशियल पार्ट है इस्लाम का, नहीं दिखा पाए। जो वकील उन लड़कियों की हिमायत में खड़ा हुआ था उस वकील को पेनल्टी लगी है, फ्रांस के कोर्ट से पेनल्टी लगी है। आप गूगल में सर्च कर लीजिए, If you think I am wrong, आप गूगल में सर्च कर लीजिए। और वो सारी लड़कियां कहां गायब हुई हैं फ्रांस से, आज तक पता नहीं चला है। तो ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है ना, मुसलमान लड़के के मर्दों के और मुसलमान जिहादन हिजाबन औरतों के, ये सिर्फ भारत में नहीं है या सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान तो 99% वही चल रहा है, या सिर्फ और मुल्कों में नहीं है, हर जगह है इस पूरी दुनिया में। वो टुकड़े टुकड़े गैंग जो है हिजाबन जिहादन वाले और मुस्लिम पुरुषों वाले इब्राहिमिक रूल वाले, वो फैले हुए हैं और वो इस तरीके का काम अंजाम देते रहते हैं। पर क्योंकि इस्लाम में ये सारी चीजें नहीं है, इसलिए ना ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जीत पाता है सर्वोच्च न्यायपालिका से भारत में कोई केस, और ना ही दूसरे मुल्कों में और दूसरे देशों में इस तरीके के जिहादी मेंटालिटी वाले लोग जो स्ट्रेटेजी क्रिएट करते हैं और फुलझड़ी छोड़ते हैं कि बाद में हम इसको एक बड़ा मुद्दा बनाएंगे, वो भी कोर्ट से जीत नहीं पाते। बिल्कुल सही मैम, और आज का जो सेशन है वो यहीं पे खत्म करते हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, उम्मीद करती हूँ कि हमारे देखने वालों को अच्छी लगी होगी आज की। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया अली खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा जहाँ पे नाजिया खान जी ने
ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत में रह रहे जिहादी और खासकर हिजाब वाली जो जिहादरे हैं उनको भी एक्सपोज किया और जमकर लताड़ा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट दमदार और इंटरेस्टिंग वीडियोज लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।